हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मेरा चैनल का बहुत सारा वीडियो पे ये कमेंट आ रहा है कि जो हम लोगों का जो रिलेशनशिप है सर, वो और स्टडी के बीच में मतलब कोई इफेक्ट है या कोई रिलेशन है, या स्टडी और रिलेशनशिप बहुत हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, या रिलेशनशिप जो है वो स्टडी पे हार्म करता है या नहीं। ऐसा कमेंट मेरा बहुत सारे वीडियो पे मैंने देखा है, तो चलो चलते हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो बना लिया है, आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है कि रिलेशनशिप और जो हम लोगों का स्टडी मतलब करियर है, ये दोनों एक साथ रन हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, इज रिलेशनशिप रिलेशनशिप इफेक्ट्स ऑन स्टडी, मेरा ख्याल से इसका आंसर होगा डेफिनेटली यस। ठीक है, रिलेशनशिप का बुरा इफेक्ट स्टडी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मान लो कि जो रिलेशनशिप है, तो कोई कोई बंदा बोलेगा कि सर तो क्या रिलेशनशिप कैंसिल कर दूं, तो उसके लिए फिर से मुझे थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा कि देखो रिलेशनशिप जो है वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो होता है लव, दूसरा होता है अट्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली मैं ऑन द स्पॉट आंसर बोल दिया हूँ कि जो रिलेशनशिप है एक बेसिकली चलता है अट्रैक्शन के ऊपर और दूसरा बेसिकली चलता है लव के ऊपर। तो अट्रैक्शन जो है वो तो हम लोगों के कंट्रोल पे होता है और लव जो है वो हम लोगों के कंट्रोल पे नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि अगर लव जो है वो जनरली कहीं पर भी हो सकता है, अगर मान लो हो चुका है तो ये बंदा गेव, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा तो अट्रैक्शन है कि जिसको हिंदी में बोलते हैं फरफराना, जो कोई भी बंदा या लड़की जब कोई अपोजिट सेक्स वाले को देखते हैं, जैसे कि बॉयस गर्ल्स को या गर्ल्स बॉयस को देखते हैं, तब अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिट इज़ द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट के वजह से ये होता है, नेचुरल है, सीधी सी बातें हैं, होगा ही, हर किसी के साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, तुम लोगों के साथ भी होगा, हर किसी के साथ होगा। तो वहाँ से हम लोगों को बच के निकल जाना चाहिए। ठीक है, और बुरा इफेक्ट पड़ता है मतलब रिलेशनशिप का स्टडी के ऊपर, क्योंकि जब मान लो हम लोग कभी भी किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसका फोकस हम लोगों को हटाना नहीं है। मतलब अगर जो बंदा नीट दे रहा है, जेई मेंस दे रहा है, उसका फोकस सिर्फ नीट और जेई मेंस पे ही होना चाहिए। अगर बीच में रिलेशनशिप या फ्रेंड सर्कल या टीवी गेम कोई भी चीज़ आ गया, तो उसका फोकस जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो अभी बोलेंगे कि सर तो रिलेशनशिप में हूँ, मतलब तुम डायरेक्टली अभी रिलेशनशिप पे हो, तुम गड्ढे में गिर चुके हो, अब क्या करना है, अब तुम उस गड्ढे से नहीं निकल सकते। मतलब रिलेशनशिप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बंदा रिलेशनशिप पे है उसको रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, छोड़ने से उस लड़के का भी नुकसान होगा और वो लड़की का भी नुकसान होगा। तो उसके लिए मतलब ठीक है, उसको इतना सीरियसली मत लो, सीरियसली मत लो, मतलब वो नहीं कि रिलेशनशिप में हूँ इसलिए फरफराओ या ऐसे भाग के चला जाओ जैसे टीवी में दिखाता है, भाग के चला जाओ, खिड़की से कूद के निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हूँ उसको मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, अगर एक साथ पूरी ज़िंदगी निभाना है तो निभा लेंगे, तो वो तो फ्यूचर का बात है। अभी तो तुम मतलब बच्चे हो, तो अभी ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में हो तो अच्छी बात है, ठीक है, उसको उसको पढ़ाई करने दो, तुम खुद का पढ़ाई करो, अगर 2 मिनट चैट करने का मर्जी चाहे तो चैट कर लो, और मतलब थोड़ा और प्यार जाग उठाए मन में तो कभी कभी मुलाकात कर लो, बस उतना में ही अपने या अपने ऑपोजिट को उतना में भी लिमिटेड रखो, उससे आगे जाना मतलब अपने लिए मौत को बुलाना जैसा होगा, अगर तुम अपने ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो। ये रहा जो लोग ऑलरेडी गड्ढे में गिर चुके हैं, मतलब रिलेशनशिप में आ चुके हैं, और जो बंदा रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आया है, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि तुम लोगों का लाख अच्छा है कि तुम लोग अभी तक रिलेशनशिप में आए ही नहीं, तो अभी इस चीज़ से दूर ही रहो, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है। ठीक है, हर एक चीज़ का टाइम होता है, दुनिया दुनिया में भी
कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ टाइम का मामला है। हर टाइम हर चीज़ को अच्छा बना देता है और बुरा बना देते हैं। तो तुम लोगों का अभी काम है सिर्फ पढ़ना, अपने करियर के ऊपर फोकस करना, तो उसी पे ही अपना दिमाग लगाओ। और कोई भी रिलेशनशिप या मान लो गेम, ऐसा चीज़ के ऊपर फोकस मत करो। तो मतलब ज़िंदगी में कोई एक चीज़ को चुनो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है, अगर मुझे रोमियो बनना है तो रोमियो बनो, तो डॉक्टर इंजीनियर के बारे में भूल जाओ। अगर तुम लोगों को जूलियट बनना है तो जूलियट बनो, डॉक्टर इंजीनियर के बारे में भूल जाओ। एक साथ तुम डॉक्टर इंजीनियर जूलियट रोमियो सचिन तेंदुलकर अक्षय, एक साथ तो हम लोग इतना सारा नहीं बन सकते। हम लोग तो आदमी एक है, दिमाग एक है, तो उसे फोकस भी हम कोई भी एक चीज़ के ऊपर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो लोग रिलेशनशिप पे नहीं है, मतलब उतना पूरी तरह से गड्ढे में नहीं गिरा है, तो मैं बोलूँगा कि अभी 11th 12th जो क्लास है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, उससे बच के रहो। सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो तो अपना गोल जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो उसके लिए भी मेरा एडवाइस है, हो तो हो उसको, मतलब इतना सीरियसली सीरियसली मतलब ये नहीं कि मतलब रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मतलब जो इफेक्ट है उसको वहाँ पर ही लिमिटेड रख दो। मतलब तुम लाइक करते हो, वो लाइक करते हैं, बस उतना, उससे ज़्यादा मतलब सोचो ही नहीं, दिमाग में उस चीज़ को डालो ही नहीं। तब तुम भी रिलेशनशिप में खुश रहेगा, वो भी रिलेशनशिप में खुश रहेगा, तुम लोगों का पढ़ाई भी हो जाएगा। अभी क्या होता है, सीरियस मतलब क्या है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा सीरियस को लेके कि सर आप जो बोल रहे हो को सीरियस मत हो, उसका मतलब क्या है? सीरियस मतलब कि उसके सिवा मुझे मेरा दिल नहीं लगता, उसके सिवा मेरा खाना नहीं होता, उसके सिवा मेरा पढ़ाई नहीं होता, ऐसा टाइप का नाटक या नौटंकी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिमाग का मामला है। प्यार जो है वो दिमाग से ही शुरू होता है। यहाँ पर हार्ट बोल के कोई चीज़ जो है वो प्यार व्यार नहीं करता, वो जनरली एक पंप मशीन है, वो हम लोगों का ब्लड को पंप करता है। तो सारा चीज़ दिमाग का ही मामला है, दिमाग से ही शुरू होता है प्यार, दिमाग में ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पर दिमाग में अगर तुम लव को घुसा दिया तो स्टडी जो है वो थोड़ा सा तो अपना स्पेस तो खा जाएगा, जो लव है तुम्हारा उसका। तो लव का स्पेस जितना कम रखोगे, स्टडी का स्पेस उतना बड़ा रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तो बोल ही सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैं डेफिनेटली अगेंस्ट हूँ लव और रिलेशनशिप का जो एक साथ रन करना है उसके मामले में। ठीक है, अगर तुम रन करना चाहते हो तो ठीक है, तुम स्टडी को रन करो या फिर रिलेशनशिप लव अट्रैक्शन वहाँ पर घुस जाओ। फ्यूचर में चाय स्टॉल खोल लेना और कोई स्वीपर वीपर का काम भी कर लेना। एक साथ इन दोनों को रखने से तुम डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर भी नहीं बन पाएगा और स्टडी भी नहीं होगा। ठीक है, और ठीक है, आज का वीडियो इतना तक ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।